हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम घूमने आए हैं नेहरू तारामंडल, जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन के पास में पड़ता है। आप केंद्रीय सचिवालय से भी आ सकते हैं, पर नियरेस्ट पड़ेगा, वॉकिंग डिस्टेंस भी है आप उद्योग भवन से। तो आइए आज आप हमारे साथ हमारा फुल टूर देखें नेहरू तारामंडल का, पूरे शो से लेके और इनके एग्जिट एवरीथिंग सब हमने इसमें कवर किया हुआ है। और ये लॉकडाउन का बना हुआ वीडियो है, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेसिंग है। ये टिकट काउंटर है, आपको एडल्ट का टिकट 18 रुपीज़ में और जो चाइल्ड है 4 से 12 साल के बच्चे उनका 50 रुपये में टिकट है। 40 मिनट का शो है यहाँ पे। आप टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से बुकिंग कर सकते हैं पहले से भी। और ये एंट्री गेट है तारामंडल में जाने के लिए। क्या करे, ये आगे सारे स्पेस से चीज़ें बना के रखी गई हुई है एग्जीबिशन के लिए। आप देख सकते हैं सो क्या है? हाँ हाँ, अरे बंद करो, ये टू वीडियो बना ले, यही है। अब बंद अंदर हो, देखो लाइन में लगना पड़ रहा है, देखो लाइन क्यों लगेंगे, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ हाँ, लंबी लाइन है तो शो में जाने के लिए, फिर तो मैं यही खड़ी हो जाऊंगी। कोविड टाइम में भी इतना लंबा लाइन। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तारामंडल का जहाँ से एंट्री गेट है वहाँ से इसका व्यू कैसा है, क्या क्या बनाया हुआ है शो में दिखाने के लिए। और जो यहाँ पे बना हुआ है उन्हीं सब तरीके की चीज़ें शो में दिखा भी रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है दिखने में, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ऐसे गोरखपुर में भी दिखाता होगा शो वाला ना। अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष यान मानव के ड्रेसेस 10 साल के अंदर 40 रुपये। ऐसे तभी वो बोल रहे थे 50 रुपये टिकट था। ये टिकट है यहाँ का, सोमवार का ऐसे मिलेगा आपको टिकट। और ये अब मिट्टी ले रहे हैं, मैं वीडियो बनाते हुए चलो। ओ ऐसा है, सिनेमा हॉल जैसे इसका कहीं पे भी बैठना है, पूरा लाइट प्रोजेक्टर के थ्रू ये हमको सारा शो दिखाते हैं। आगे बैठो, बीच में बैठे ना, कैसा लगे। अंतरिक्ष से रिलेटेड सारी बातें होती हैं वो हमको बताते हैं, जो हम स्कूल टाइम में पढ़ते आए हुए होते हैं किताबों में, वही सब चीजें विजुअलाइज करके दिखाते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू, तो बहुत अच्छा लगता है। आप आके एंजॉय करेंगे आप। यहाँ बैठे मेरे हिसाब से तो आपको एक बार तो जरूर जाना चाहिए तारामंडल। नहीं सही है, पता नहीं, आइडिया नहीं है कहाँ बैठना चाहते हैं, पीछे क्यों बैठेंगे, या इस पे बैठ जाते हैं, यहाँ यहाँ बैठते हैं, ठीक है। हाँ, ये सीट कैसे, सीट वो करना है, रुकी रुकी हम देखें। अच्छा, एक छोड़ के है तो ये वाला होगा आई थिंक। हाँ, ये हो गया, अब वो उस पर बैठ जाएगी, कोविड का वो है प्रोजेक्टर वाला ही। रुकिए, वीडियो बना रहे हैं। 4:04 हो गया अभी सो स्टार्टिंग। एग्जिट इधर से देंगे, अच्छा वीडियो बना लो। मनोज जी यहाँ है और मैं इधर हूँ, और अभी ये स्टार्ट। नमस्कार, नमस्कार, नेहरू तारामंडल में आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रोग्राम शुरू होने से पहले अपना मोबाइल फोन और कैमरा दोनों जैसे बंद कर लीजिए, और शो के दौरान आपको एकदम शांत रहना, आपस में बातचीत न करें। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हो कृपया उनको चुप रखिएगा,
मोबाइल फोन और कैमरा बंद रखें और अपना मास्क जरूर पहने। इन्हीं से बने ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। पिंड में जीवन की शुरुआत के लिए स्थितियां अनुकूल थी। सबसे पहले बनी एक सरल कोशिका और फिर इससे नींव पड़ी आज के बुद्धिमय जीवन की। रात्रि के आकाश ने हमेशा ही मनुष्य को आकर्षित किया है। अपनी विध्वंसकारी उत्पत्ति से अनजान हमारे पूर्वज चमकदार तारों में तरह तरह की कहानियां गढ़ते रहे। इन अनगिनत तारों को तीन तारे उसकी कमर पेटी बनाते हैं। इससे पूर्व की ओर बढ़े तो मिलेगा सिरियस या व्याध, आकाश का सबसे चमकदार तारा। तारों के इस समूह में लीपस या खरगोश जैसी आकृति सोची गई। कमल पेटी से पश्चिम की ओर जाने पर मिलता है वृषभ तारा मंडल। इसका ये चमकदार तारा है एल्डेब्रन या रोहिणी नक्षत्र। ये तारे अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार में बनाते हैं बैल का सिर और बैल के कंधे पर बैठा है प्लाइटीज या कृतिका तारों का गुच्छा। उत्तर की ओर एक बड़े प्रश्न चिन्ह के आकार में है सप्तर्षि। ये दो तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं। जैसे जैसे रात बीतती जाती है ध्रुव तारा एक ही जगह पर बना रहता है जबकि बाकी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते रहते हैं जैसे कि दिन में सूर्य। पूरे आकाश को 88 तारा मंडलों में बांटा गया है। इन काल्पनिक आकारों की पृष्ठभूमि में सूर्य और चंद्रमा की गति को समझा गया। हमारे पूर्वज रात्रि के आकाश से भलीभांति परिचित थे इसलिए वे तारों की पृष्ठभूमि में धीरे धीरे खिसकते हुए पिंडों को पहचान पाए। ये बच्चों को बाहर ले जाइए, मोबाइल बंद कर दीजिए। ये साधारणतया पश्चिम से पूर्व की ओर जाते थे पर कभी कभी विपरीत दिशा में भी जाने लगते। कई रातों तक इनका अध्ययन करने से पता चला कि ये खास तारा मंडलों की पृष्ठभूमि में जाते हैं। ये खास तारा मंडल राशि चक्र बनाते हैं। सूर्य, चंद्रमा इससे होकर जाते हैं और ऐसे ही इधर उधर भटकते पिंड भी। अब हम जानते हैं कि ये पिंड भटकते इसलिए लगते हैं क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर जाते हैं। तारों, ग्रह और चंद्रमा की गति का अध्ययन हजारों साल गहराई से किया गया। खगोल विज्ञान में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब मनुष्य ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। खगोलीय पिंडों के ऐसे नजारे दिखने लगे जो पहले कभी सोचे नहीं गए थे। किसी साधारण से टेलीस्कोप से भी चंद्रमा भव्य लगता है। चंद्रदल पर छोटे बड़े गड्ढे सहज ही दिखाई पड़ते हैं। ये चंद्रमा के विध्वंसक अतीत की याद दिलाते हैं जब चंद्रमा पर उल्कापात और ज्वालामुखी बहुत हुआ करते थे। हमारी पृथ्वी का इतिहास भी
कुछ ऐसा ही रहा। इसकी सतह पर कई गड्ढे बने, जैसे कि एरिजोना का ये गड्ढा। महाराष्ट्र की लोनार झील भी इसी तरह का गड्ढा है और क्यूबेक का मोनिका बागन ढांचा। पर आज हम धरती पर चंद्रमा के जैसे गड्ढे नहीं देखते, क्योंकि पृथ्वी की गतिज प्रणाली यानी डायनेमिक सिस्टम ने कई पुराने निशानों को मिटा दिया है। इसीलिए हमें पृथ्वी पर बहुत कम गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। आइए टेलीस्कोप से शुक्र ग्रह को देखें। अरे, ये तो चंद्रमा के जैसे कला दिखा रहा है। शुक्र पर बादलों के घने वातावरण के कारण हम दूरबीन से उसकी सतह को नहीं देख सकते। चलिए एक छोटी दूरबीन से बुध को देखें। अरे, ये भी कला दिखाता है। शुरू में दूरबीन द्वारा लिए गए इन आश्चर्यजनक आंकड़ों से सौर मंडल के बारे में हमारी जानकारी बढ़ी। पहले लोग सोचते थे कि सूर्य और ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। इस धारणा के अनुसार ग्रहों की कलाओं को समझना मुश्किल था। खगोलविदों के अध्ययन से जब ये धारणा बदली और समझा गया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तब इन ग्रहों की कलाओं को समझना आसान हो गया। पृथ्वी से देखने पर शुक्र जब सूर्य के दूसरी तरफ होता है तो वो छोटा व पूर्ण दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए जैसे जैसे वो हमारे निकट आता है, आकार में बड़ा लगता है और कलाएं दर्शाता है। अंदरूनी ग्रह शुक्र से भिन्न मंगल पर ये नाटकीय कलाएं दिखाई नहीं पड़ती। यद्यपि कभी कभी पृथ्वी से मंगल की धुंधली सी गिब्बस या उभरी हुई कला देखी जा सकती है। यहाँ मंगल का धुंधला बर्फीला ध्रुव प्रदेश नजर आता है, जो पृथ्वी से कुछ कुछ मिलता है। मंगल पर नदी जैसे आकार प्रकार भी दिखाई देते हैं। 100-150 साल पहले एक गलत सोच थी कि ये नहरें हैं जो मंगलवासियों ने अपने खेतों की सिंचाई के लिए बनाई थी। अब दूरबीन को बृहस्पति की ओर घुमाएं। इसके पास नजर आ रहे हैं चार चमकते पिंड। ये हैं बृहस्पति के चार बड़े चंद्रमा। इनको कहते हैं गैलिलियन मून। बृहस्पति का लाल धब्बा शायद सबसे पहले 1665 में कैसिनी द्वारा देखा गया। दरअसल ये धब्बा एक भीषण तूफान है। लगभग 400 वर्षों से इसे हम ऐसे ही देखते आ रहे हैं। इसका व्यास पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा है। इस पिंड को पहचानने के लिए आपको किसी मदद की जरूरत नहीं है। शनि के वलय छोटी दूरबीनों से भी आसानी से देखे जा सकते हैं। जब पृथ्वी और शनि के वलय एक ही तल में आ जाते हैं, तब ये वलय हमें नजर नहीं आते। आज हमारी इन वलयों की जानकारी खगोल विज्ञान की प्रगति का ही नतीजा है। कोरी आंखों से दिखाई देने वाले इन 5 ग्रहों के गहन अध्ययन करने के बाद हमारी सौर मंडल और ग्रहों की कक्षाओं के बारे में समझ बढ़ी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ये कमाल है गुरुत्वाकर्षण शक्ति का,
जो कि सूर्य के चारों ओर कक्षाओं में ग्रहों के व्यवहार संबंधी नियम निर्धारित करने में एक रिंग मास्टर की भूमिका अदा करती है। सदियों से हम पृथ्वी से इन पांच ग्रहों बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को कोरी आंखों से देखते आ रहे हैं। ज्यों ज्यों दूरबीन में सुधार हुआ, आसमान में कुछ और भ्रमणकारी पिंड खोजे गए जो सौर मंडल के सदस्य थे। यूरेनस ग्रह की खोज सन 1781 में विलियम हर्शल ने की। दूसरे ग्रहों की तुलना में इसका स्थान इतनी दूर था कि इस खोज के साथ ज्ञात सौर मंडल के आयाम दोगुने हो गए। सन 1801 में जोसेफ पियाजी ने मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक अन्य पिंड की खोज की। प्रत्याशा थी कि इस क्षेत्र में एक ग्रह विद्यमान है। तब इस नए पिंड को इस ग्रह के रूप में सोचा गया था और इसका नाम सिरीज रखा गया। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य क्षेत्र में अनेक ऐसे पिंड पाए गए, जूनो, वेस्टा, पल्लास इत्यादि। बाद में पता चला कि इस क्षेत्र के इन पिंडों का भार बाकी ग्रहों की तुलना में काफी कम था, सबसे छोटे बुध ग्रह से भी बहुत कम। सिरीस और इन पिंडों को एस्ट्रोइड या लघु ग्रह कहा गया। यूरेनस की खोज आकाश की छानबीन करके की गई थी। इसके बिल्कुल भिन्न अगले ग्रह नेपच्यून की खोज 1846 में गणितीय गणना और इस पर आधारित प्रेक्षण द्वारा की गई। इस कहानी में अगली प्रमुख घटना थी 1930 में प्लूटो की खोज, जो क्लाइड टोबो द्वारा किए गए प्रेक्षणों से की गई थी। जब इसकी खोज हुई थी तो ये सोचा गया था कि ये भार में पृथ्वी जितना होगा और इसे सौर मंडल का नौवां ग्रह माना गया। सन 1978 में इसके चंद्रमा कैरोन का पता चला और प्लूटो के भार का ठीक अनुमान लगाना संभव हो पाया। नहीं, वो निश्चित रूप से पृथ्वी जितना भारी नहीं था, हमारे अपने चंद्रमा से भी छोटा। इसके बाद सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में कई छोटे छोटे पिंड पाए गए जो प्लूटो से भार में कुछ ही कम थे। तब प्लूटो के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा, क्या उसे कभी ग्रह की संज्ञा दी जानी चाहिए थी? इसके बाद सन 2003 में एक और पिंड खोजा गया, UB 313, जिसे हम एरिस नाम से जानते हैं। ये प्लूटो से भार में कुछ बड़ा था। इस प्रकार प्लूटो के ऊपर लगा प्रश्न चिन्ह अधिकाधिक बढ़ते हुए उलझता चला गया। क्या हम प्लूटो को ग्रह कहें? यदि हाँ तो UB 313 का क्या? आखिर ग्रह शब्द का वास्तविक अभिप्राय ही क्या है? अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने ग्रह शब्द की भौतिक परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार बेचारे प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। नई भौतिक परिभाषा के अनुसार ग्रह वो पिंड है जो मूल तारे के चारों ओर कक्षा में घूमता है। इतना भारी है कि उसकी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उस पिंड को गोलाकार बना देती है तथा इसके आसपास के क्षेत्र के अधिकाधिक पदार्थ को अपने अंदर ऐसे समा लेती है कि उस ग्रह को उस क्षेत्र का स्वामी बना देती है।
इस परिभाषा के बाद हमारे सौर मंडल में केवल 8 ग्रह शेष रह गए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौर मंडल में कुछ पिंडों का एक नया वर्ग बनाया गया है जिन्हें वामन ग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है। प्लूटो इनमें से एक है। ये वामन ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इतने भारी हैं कि गोलाकार नजर आते हैं, पर इतने नहीं कि अपने निजी क्षेत्र में हावी हो सके। सौर मंडल में कुछ और भी छोटे छोटे पिंड हैं, जैसे एस्ट्रॉइड और धूमकेतु। इन सब को मिलाकर बनता है हमारा सौर परिवार। आइए हम इस परिवार के कुछ सदस्यों के और नजदीक चलें। 20 जुलाई 1969। मनुष्य के लिए एक छोटा सा कदम, मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग। मनुष्य ने अपने निकटतम पड़ोसी चंद्रमा पर कदम रखा। यह यात्रा 3 दिन चली। यात्रांत में अंतरिक्ष यात्रियों ने कई दशकों तक अध्ययन करने के लिए सामग्री इकट्ठी कर ली। पहले माना जाता था कि चंद्रमा पर पानी नहीं है, लेकिन क्लेमेंटाइन एवं ल्यूनर प्रोस्पेक्टर मिशन ने चंद्रमा के ध्रुवों के अंदर बर्फ के रूप में पानी होने के संकेत दिए। ल्यूनर प्रोस्पेक्टर का अंतिम उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर टकराकर धूल और पानी की भाप का बादल उठाना। पर पृथ्वी से देखने पर इस तरह के आंकड़े नहीं मिले। कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि चंद्रमा की सतह के नीचे जमा हुआ पानी नहीं है। तलाश प्रायः लंबी और कठिन होती है। हाल ही में स्मार्ट मिशन 1 ने चंद्रमा की सतह पर टकराकर इसके निचले क्षेत्रों की जानकारी दी है। रशियन लूना ग्लोब ऑर्बिटर मिशन भविष्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है। चंद्रमा के चारों ओर घूमते हुए ये चंद्रमा के कुछ क्षेत्रों पर कई उपकरण छोड़ेगा। भारत का चंद्रयान 1 भी चंद्रमा के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा की सतह का विस्तृत खनिज विज्ञानी मानचित्र तैयार करेगा। ग्रहों तक जाना ज्यादा कठिन है क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। इसका अंदाजा लगाने के लिए देखें कि सूर्य की रोशनी इन तक पहुंचने में कितना समय लेती है। ये ध्यान रहे कि अब पृथ्वी पर पहुंचने वाली रोशनी सूर्य से 8 मिनट पहले चली, 12 मिनट में ये मंगल तक पहुंच जाती है, बृहस्पति तक जाने में 43 मिनट और शनि तक 1 घंटा 20 मिनट, यूरेनस 3 घंटे में और नेपच्यून 4 घंटे में। गौर कीजिए, प्रकाश की गति 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारे अंतरिक्षयान जो प्रकाश से 1,000 गुना से भी कम गति से जाते हैं, नजदीक के ग्रह तक पहुंचने में भी 1 साल का समय लगाएंगे। बुध ग्रह पर सबसे पहला अभियान था मैरिनर फ्लाईबाय मिशन। इसने बुध के सतह के एकदम पास के चित्र भेजे। बुध की तस्वीर को देखकर
किसी को भी चंद्रमा का भ्रम हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आकार और बनावट में एक जैसे हैं। अगस्त 2004 में बुध ग्रह के भेजे गए मैसेंजर ऑर्बिटर यान से बुध के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त होने की आशा है। बुध का एक दिन वास्तव में काफी लंबा होता है। ये अपनी धुरी पर धीरे धीरे 59 दिन में घूमता है और सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। इन दो गतियों के कारण सूर्योदय से सूर्यास्त तक 3 महीने लग जाते हैं। यहाँ दिन में ताप 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि रात का ताप 0 से 183 डिग्री नीचे चला जाता है। सूर्य के एकदम पास होने तथा वायुमंडल न होने के कारण यहाँ परिस्थितियाँ विषम है। बुध के दिन की लंबाई की गणना करना कठिन है, क्योंकि इसके आकाश में सूर्य एक छल्ला बनाता हुआ जाता है। किसी जगह से देखने पर सूर्य उदय होता है, फिर तुरंत वही अस्त हो जाता है और फिर उदय होता है। दोहरा सूर्योदय, इसका कारण सूर्य के चारों ओर जाते हुए जब बुध सूर्य के एकदम पास होता है तो इसकी गति अपनी घूर्णन गति से ज्यादा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सूर्य इसके आकाश में एक छल्ला बनाता है। बुध ग्रह का अध्ययन आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अर्थात सापेक्षता के सिद्धांत को समर्थन प्रदान करने में सहायक रहा। हमने ग्रहों की दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं के बारे में बात की। ऐसी कक्षाओं में ग्रह पेरिहेलियन पर सूर्य के निकटतम आ जाते हैं और अपहेलियन पर सूर्य से सर्वाधिक दूर चले जाते हैं। अगर सौर मंडल में सूर्य और एक ही ग्रह हो तो पुराने गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार कक्षाओं में ये स्थितियां स्थिर रहेंगी। दूसरे ग्रहों की दखल अंदाजी से ये स्थितियां बदल सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कक्षा में पेरिहेलियन की स्थिति बदल सकती है। आंकड़ों के अनुसार पुराने गुरुत्वाकर्षण की गणनाओं की तुलना में ये बदलाव प्रति शताब्दी 43 आर्क सेकंड कम प्रतीत होती है। काफी सूक्ष्म परिवर्तन, लेकिन देखा जा सकता था। इसका उत्तर था आइंस्टीन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य के नजदीक स्पेस टाइम के घुमाव से बुध ग्रह की पेरिहेलियम के खिसकाव का सही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद आइंस्टीन के सिद्धांत को सत्यापित करने के और भी प्रेक्षण किए गए। शुक्र आकाश का सबसे चमकदार ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म पिंड भी है। शुक्र ग्रह के घूमने की दिशा पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के विपरीत है। यह अपनी धुरी पर 243 दिन में घूम जाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर जाने में ये 224 दिन लगाता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे धीमे घूमने वाला ग्रह है। आकार और घनत्व में पृथ्वी से मिलता जुलता शुक्र घने बादलों से ढका है। बादल जो सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदों से बने हैं। 15 दिसंबर 1970 रूस का वेनेरा 7 यान।
शुक्र ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। इसमें लगे उपकरणों ने पूर्वानुमान को सही बताया कि यहाँ 90% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी सतह चट्टान की बनी है और इसका तापमान 475 डिग्री सेंटीग्रेड है। बुध ग्रह के दिन के तापमान से भी ज्यादा। वास्तव में शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ रात्रि का तापमान करीब एक सा बना रहता है। इतने अधिक ताप का कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड के बादल सतह को धूप से गर्म होने देते हैं, पर सतह से निकली गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। इसलिए वहाँ दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता। सन 1990 में शुक्र की तरफ भेजे गए मेसेलिन अंतरिक्ष यान ने शुक्र की सतह के राडार द्वारा मानचित्र बनाए और इस ग्रह के नजदीक की विस्तृत चित्र भेजे। पृथ्वी की परिधि से बाहर ये है मंगल। अपने दो बेडौल चंद्रमाओं फोबोस और डीमोस को लिए हुए मंगल के बदलते धरातल को देखकर लोगों को वहां खेती का भ्रम हुआ। सन 1976 में वाइकिंग यान मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। ये इलाका पृथ्वी से मिलता जुलता था। इन खोजों से पता चला कि मंगल के धरातल के बदलते रहने का कारण वहाँ तेज धूल के तूफान हैं, पर यहाँ जीवन के कोई निशान नहीं मिले। वाइकिंग अभियान के भेजे चित्रों में मंगल की सतह पर मनुष्य के चेहरे जैसी आकृति मिली, पर बाद में पता चला कि रोशनी और परछाई के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है। मंगल पर ही सबसे अधिक अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं। बहुत सारे सफल हुए तो कुछ ग्रह पर पहुंचकर निष्क्रिय हो गए। सबसे सफल अभियान रहे पाथफाइंडर और उसके बाद स्पिरिट एवं अपॉर्चुनिटी। इन्होंने आशा से अधिक आंकड़े एकत्र कर पृथ्वी पर भेजे। कुछ सफल ऑर्बिटर मिशनों से हमें मंगल के सतह के बारे में जितनी जानकारी प्राप्त हुई, इतनी तो हम अपनी पृथ्वी के चंद्रमा के बारे में भी नहीं जानते। इन मिशनों से मिली सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी, मंगल पर कुछ करोड़ वर्ष पहले बहते पानी के संकेत। बृहस्पति तथा अन्य ग्रहों को मानव रहित यान भेजना भी बहुत कठिन है, इसलिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष घटना का सहारा लिया जो हर 179 साल बाद होती है। यदि इस समय एक यान बृहस्पति की ओर छोड़ा जाए तो एक ही उड़ान में वो सभी बाहरी ग्रहों से होकर गुजर जाता है। इस अवस्था में हर ग्रह का गुरुत्वाकर्षण यान को अगले ग्रह की ओर मोड़ देता है। वॉयेजर यान सन 1977 में छोड़ा गया। दो साल बाद ये बृहस्पति तक जा पहुंचा और इसने पृथ्वीवासियों को बृहस्पति के जगमगाते वलय की जानकारी दी। इसने पाया कि 16 चंद्रमा इस विशाल ग्रह के चक्कर लगाते हैं। अब तो इसके 60 से भी अधिक चंद्रमा हैं। इसके चंद्रमा आयो पर अभी भी ज्वालामुखी फूटते हैं। पृथ्वी से बाहर पाई गई पहली सक्रिय ज्वालामुखी।
हब्बल टेलीस्कोप और गैलीलियो यान ने आयो पर फूटते ज्वालामुखी देखे। दूसरे चंद्रमा यूरोपा की सतह के नीचे पानी होने की संभावना है। बृहस्पति का वायुमंडल काफी रंगीन है। इसके उभरते हुए बादलों के आकार प्रकार कुछ ही घंटों में बदल जाते हैं। इन बादलों के बदलते आकार प्रकार से पता चलता है कि बृहस्पति का मध्य भाग ध्रुवों की अपेक्षा तेजी से घूमता है। हाल ही में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्सरे वेधशाला ने भी अपनी नजरें एक ही समय पर बृहस्पति पर गड़ाई। दोनों के मिले जुले निरीक्षण से महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। इन्होंने बृहस्पति के ध्रुव के निकट एक असुलझा पल्सेटिंग एक्सरे गर्म धब्बा भी देखा। अब चलें अगले ग्रह की ओर। शनि के वलय तो अनगिनत हिमकणों से बनते हैं। ये अपने धुरी पर लगभग 10 घंटे में घूमता है। इस तेज गति के कारण ध्रुवों पर ये ग्रह चपटा हो जाता है। अन्य गैसीय ग्रहों की तुलना में शनि का घनत्व काफी कम है। कोशिश करने पर भी आप इसको एक अति विशाल कार्बनिक बीकर में डुबा नहीं पाएंगे। हाल ही में भेजे गए कैसिनी मिशन ने शनि की विस्तृत जानकारियां दी हैं। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन। कैसिनी अभियान ने टाइटन के वायुमंडल का परीक्षण करने के लिए वहां हाइजेंस नाम का उपकरण छोड़ा। यात्रा की आश्चर्यजनक खोज थी टाइटन का वातावरण। 40 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी से मिलता जुलता वातावरण। आइए इस यात्रा के अगले ग्रह यूरेनस से मिलें। ये सूर्य के चारों ओर 84 साल में एक चक्कर लगा लेता है। यूरेनस का अक्ष इसकी कक्षा से अत्यधिक झुका है, इसलिए ये अपनी कक्षा में लुढ़कता हुआ जाता है। यूरेनस के वलय बड़े बड़े पतलीले टुकड़ों के बने हैं। पृथ्वीवासियों को इन वलयों का पहले से ही पता चल गया था जब यूरेनस ने एक तारे को आच्छादित किया। एक खगोलीय पिंड की दूसरे खगोलीय पिंड को ढकने की क्रिया को आच्छादन कहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे सूर्य ग्रहण। यूरेनस द्वारा तारे के आच्छादन के समय तारे की रोशनी आच्छादन से पहले और बाद में टिमटिमाई, जिससे ग्रह के चारों ओर वलयों के होने का संकेत मिला। कावलूर वेधशाला से भारतीय खगोलविदों द्वारा इस आच्छादन के अध्ययन ने यूरेनस की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में वॉयेजर यान ने यह सत्यापित किया कि ग्रह के चारों ओर वलय है। कुछ समय पहले तक यूरेनस को एक आकृतिहीन ग्रह समझा जाता था, लेकिन हाल ही में हब्बल दूरबीन ने यूरेनस पर एक काला धब्बा देखा। अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 आखिर नेपच्यून के पास सन 1989 में पहुंच गया। इसने ग्रह के चुंबकीय वातावरण और 6 चंद्रमाओं के बारे में जानकारी दी। इसी यान ने ग्रह पर काले धब्बे की खोज भी की। बृहस्पति के लाल धब्बे की तरह नेपच्यून पर अमोनिया का पालन है। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा है ट्राइटन। ये अन्य चंद्रमाओं की अपेक्षा ग्रह के चारों ओर विपरीत दिशा में जाता है। अभी हाल ही में अंतरिक्ष दूरबीन हब्बल द्वारा प्राप्त नेपच्यून के चित्रों में धब्बा नहीं देखा गया है। ये रहस्य नेपच्यून के वातावरण की गतिशीलता को दर्शाता है।
केवल ये 8 ग्रह ही सौर मंडल के सदस्य नहीं, अनेक छोटे पिंड भी इसके महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इन पिंडों की तरफ भी कई अंतरिक्ष यान भेजे गए, जैसे कि हेली धूमकेतु की तरफ जियोटो मिशन। नियर अंतरिक्ष यान ने तो इरोस लघु ग्रह पर उतरकर वहां के चित्र और आंकड़े भेजे। स्टारडस्ट मिशन द्वारा लाए गए कॉमेट वाइल्ड 2 के टुकड़ों से वहां कुछ ऐसे खनिज होने का प्रमाण मिला जो केवल उच्च तापमान पर ही हो सकते हैं। सामान्यतया ये खनिज धूमकेतुओं में नहीं पाए जाते। वामन ग्रह प्लूटो की तरफ भी न्यू होराइजन नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया। पिछले 10 वर्षों में ग्रहों के बारे में कई खोजें हुई हैं और हमारी अपने सौर मंडल के बारे में जानकारी बढ़ी है। मनुष्य जैसे दूसरे प्राणियों की खोज हमारे सौर मंडल में जरूर व्यर्थ है, पर ब्रह्मांड के अन्य सौर मंडलों का क्या? अपने सौर मंडल को अद्वितीय मानना बड़ी भूल होगी। पिछले कई वर्षों में अनेक तारों के बारे में पता चला है जिनके भी गृह परिवार हैं। इनमें एक है 47 अरसा मेजरिस। इधर सप्तर्षि तारा मंडल में इसमें बृहस्पति से दुगना भारी ग्रह है जिसकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा से दुगनी है। हमसे 72 प्रकाश वर्ष दूरी पर है ये तारा 16 सिग्नी। इसका भी बृहस्पति जैसा एक ग्रह है। अपने सौर मंडल के बाहर हम केवल बड़े ग्रहों को ढूंढ पाए हैं जिनकी कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है। यदि पृथ्वी जैसा कोई पिंड इन ग्रह परिवारों में हो तो गुरुत्व बल की उथल पुथल इसको निर्जीव क्षेत्र में फेंक देगी। कुंभ तारा मंडल में स्थित इस तारे ग्लिच 876 के चारों ओर घूमता ये ग्रह पृथ्वी से मिलता जुलता है, लेकिन शायद ऐसे ही निर्जीव क्षेत्र में स्थित है। सूर्य से हमारी नाजुक दूरी और बृहस्पति की स्थिति हमारी पृथ्वी को स्थिर, गर्म और जीवंत बनाए है। इससे ही हमारा अस्तित्व है। हमारी आकाश गंगा में लाखों करोड़ों तारे हैं और ऐसी ही असंख्य मंदाकिनियां ब्रह्मांड में बिखरी पड़ी है। किसी तारे के चारों ओर जीवंत ग्रह अवश्य हो सकते हैं। खोज जारी है। आप तो सो गए थे ना मनोज जी, हम देख रहे थे आपको, आप सो गए थे। अभी एग्जिट है। क्या है, मैं उनको वीडियो बना। अच्छा ये इधर निकल जाता है और एग्जिट प्लेट यूट्यूब पे जाएगा।